तो दोस्तों वेलकम बैक टू WWE 2K18। हम लोग कर रहे हैं प्रिडिक्शंस फॉर एक्सट्रीम रूल्स 2018। आई होप आपको इसमें मजा आएगा, तो फटाफट लाइक ठोकना ना भूलिए फॉर मोर एपिसोड्स। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आपने देखा पिछले एपिसोड में हमने किया था रोमन रेंज वर्सेस बॉबी लैशली, जरूर देख लेना आई बटन पे क्लिक करके। लेकिन आज जिस मैच की तरफ हम बढ़ेंगे वो है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, 30-मिनट आयरन मैन मैच बिटवीन डॉल्फ ज़िगलर एंड सेथ रॉलिंस। तो अनटिल मनी इन द बैंक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन था हमारा सेथ रॉलिंस, वहां पे उसने अपना टाइटल डिफेंड किया अगेंस्ट एलायस। लेकिन उसके बाद ऑन रॉ टाइटल अपॉर्चुनिटी मिली डॉल्फ ज़िगलर को, जहां पे उसकी थोड़ी सी मदद की ड्रू मैकइंटायर ने टू अचीव दैट टाइटल, एंड वो बन गया नया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एंड दूसरे रॉ पे रीमैच मिला सेथ रॉलिंस को वापस, लेकिन ड्रू मैकइंटायर ने उधर भी टांग लाई, डिस्क्वालीफाई करा दिया डॉल्फ ज़िगलर को, तो टाइटल उसी के पास ही रहा। तो इस चीज के वजह से कर्ट एंगल ने डिसाइड किया कि एक आयरन मैन मैच होगा, 30-मिनट आयरन मैन मैच होगा, एंड वहीं पे सब डिसाइड हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे तो लगता है, मेरा मानना है, मेरा प्रेडिक्शन होगा इसके लिए कि डॉल्फ ज़िगलर विल रिटेन हिज टाइटल, क्योंकि उसके साथ होगा ड्रू मैकइंटायर। वो जरूर बीच में आएगा, वो शायद एक बार डिस्क्वालीफाई करा ले, चेयर वेयर मार मार के सेथ रॉलिंस को बिल्कुल घायल कर देंगे वो लोग, एंड एक पॉइंट सेथ को चल जाएगा। लेकिन उसके बाद उसी का फायदा उठाते हुए वो ज्यादा पिन्स कर पाएंगे, ज्यादा सबमिशंस कर पाएंगे, किसी ना किसी तरह डॉल्फ ज़िगलर अपना टाइटल वापस रख लेगा। बट मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस मैच को, सेथ रॉलिंस या फिर डॉल्फ ज़िगलर? आप लोग आई बटन पे वोट कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग WWE 2K18 की तरफ, जहां पे हमने 15-मिनट आयरन मैन मैच रखा हुआ है। फास्ट मोमेंटम, लेजेंड डिफिकल्टी, लेट्स गो एक्सट्रीम। तो दोस्तों आपका स्वागत है टू एक्सट्रीम रूल। सबसे पहले रिंग की तरफ बढ़ेगा सेथ रॉलिंस द आर्किटेक्ट। क्या करेगा ये किंग स्लेयर, क्या अपना टाइटल वापस ले पाएगा? भाई फाइटिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन था ये, लगातार हर हफ्ते नए अपोनेंट से अपना टाइटल डिफेंड कर रहा था, लेकिन ड्रू मैकइंटायर की हेल्प से डॉल्फ ज़िगलर ने उस टाइटल पे अपना कब्जा जमा लिया। सेथ रॉलिंस वांट्स इट बैक किसी भी तरह। बट दूसरी तरफ है हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन डॉल्फ ज़िगलर, मिस्टर शो ऑफ। एंड क्या ड्रू मैकइंटायर फिर बाहर आएगा? वो जरूर इसकी मदद करेगा। एंड इस 30 मिनट में कितने पिंस, कितने काउंट्स होंगे? आई डोंट नो, आई थिंक 3-2 स्कोर होगा लास्ट में, ऐसे कुछ होना चाहिए। लेकिन आईसी टाइटल डॉल्फ ज़िगलर के पास ही रहेगा मुझे लगता है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दांव पे लग चुका है, दोनों रेसलर्स रेडी। एक तरफ द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस, दूसरी तरफ मिस्टर शो ऑफ डॉल्फ ज़िगलर। ये स्टार्ट हुआ हमारा एक्सट्रीम रूल्स आयरन मैन मैच, एंड दे धनाधन ड्रॉप किक के साथ शुरू किया डॉल्फ ज़िगलर ने, शुरुआत से कंट्रोल ले लिया इस मैच का। उसको जरूरत भी है भाई, एक बार आर्किटेक्ट मारना स्टार्ट करे तो छोड़ेगा नहीं, उसके दिमाग में बहुत सारी स्ट्रेटजीज टू विन पॉइंट्स। भाई जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे 15 मिनट के बाद, पिन से या फिर सबमिशन से आप पॉइंट बना सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन से दूसरे बंदे को पॉइंट मिल जाएगा, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। क्या पता ड्रू मैकइंटायर बीच मैन सब कुछ कबाड़ा करते हैं सेथ रॉलिंस के लिए। ऑन द टॉप रोप डॉल्फ ज़िगलर अभी से बड़ा रिस्क लेते हुए, बड़ा एल्बो ड्रॉप, वो भी सेथ रॉलिंस के सीधा पीठ पे, बड़ा सा आयरिश व्हिप इनटू द कॉर्नर भागते हुए, व्हाट अ बॉडी प्रेस भाई, कूदते हुए मारा। अगेन ऑन द टॉप रोप सेथ रॉलिंस खड़ा होते हुए धीरे धीरे टॉन्ट मारा यहाँ से डॉल्फ ने, कम ऑन आजा भाई आजा। डॉल्फ टॉन्ट मारते हुए कुछ ज्यादा ही टॉन्ट मार दिया, फेंक दिया सेथ रॉलिंस ने फ्रॉम द टॉप रोप, व्हाट अ पटकी भाई, उठा के नीचे एंड डीडीटी वहीं पे। कंट्रोल में आ गया सेथ एक फटाफट पॉइंट निकालने की कोशिश में, लेकिन डॉल्फ को अभी बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। आयरन मैन मैच भाई काफी कुछ निकाल देता है, एंड मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट मैचेस होगा ऑन एक्सट्रीम रूल्स। बहुत ही अच्छा यहाँ पे नेक ब्रेकर, सेथ रॉलिंस को बाहर की तरफ जाना पड़ा, लेकिन डॉल्फ ज़िगलर ऑन द टॉप रोप, ओ मिसल ड्रॉप किक टुवर्ड्स द आउटसाइड, सेथ की बत्ती गुल वहीं पे, इनटू द बैरिकेड सिग्नेचर मूव, फेम हाउजर दे दिया उसने बाहर ही रिंग के। ये तो डेविस्टेटिंग मूव था बहुत ज्यादा, पूरा फ्रॉम द एप्रन, लेकिन सेथ रॉलिंस बहुत तेज, उसने डॉज किया पूरा अटैक एंड पूरा मैच पलट दिया यहाँ पे। डॉल्फ अब वापस से पिटाई लेते हुए वो भी रिंग के बाहर, लुक एट सेथ रॉलिंस गोस फॉर अ कॉम्पैक्ट डीडीटी, वहीं पे बिल्कुल पैकेज करके मारे हैं वहाँ।
अब कंट्रोल सेट के पास उसने वापस से रिंग में फेंका डॉल्स को, मैच वापस रिंग के अंदर, दे धनादन लात पे लात, मुंह पे वो भी सीधा, बहुत ही ब्रूटल अटैक था ये वाला तो। सेथ रॉलिंस मोमेंटम गेन करता हुआ, लेकिन ये थोड़ा मोमेंटम डॉल्फ ने भागते हुए आया, दे धनादन पंच पे पंच इन द कॉर्नर, एंड अब फायदा उठाएगा डॉल्फ, रोप्स का यूज करते हुए, टर्न बकल का यूज करते हुए, स्नेक आए सीधा टर्न बकल पे, मुंह पड़ा उसका, ये फोड़ा उसका सर दूसरी तरफ से, फिनिशिंग मूव हमारे पास, बिल्कुल कोने की तरफ गया है, ही इज रेडी फॉर दैट स्वीट चिन म्यूजिक, एंड ये बजाए सीधा सेथ के मुंह पे, इज ही आउट एंड कोल्ड, 1 2 वाओ, डॉल्फ ज़िगलर को बिलीव नहीं हो रहा भाई, कैसे पिन नहीं हुआ ये कंप्लीट, अभी भी 0.00 पे, 12 मिनट बचे अभी भी मैच के अंदर, सेथ को फिर दोबारा कोने में फेंका, डॉल्फ को कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन सेथ फुर्ती दिखाता हुआ DDT मारा उसने वहीं पे, डॉल्फ को चित कर डाला, थोड़ा सा टॉन्ट आया सेथ की तरफ से, दी किंग स्लेयर इज रेडी टू टेक हिज चैंपियनशिप बैक, सेथ ऑन फायर, लेकिन वाटर रिवर्सल एल्बो से सीधा सर फट चुका है उसका, खून बहता हुआ सेथ के सर से, लहू लपात हो चुका है वो, ये मारा उसने फिनिशिंग मूव, रिपकॉर्ड नी किंग स्लेयर का, एंड डॉल्फ बिल्कुल ठंडा पड़ गया, बोरे की तरह गिरा वहां पे, क्विक पिन यहाँ, 1 2 पच भाई, शिट, एक पॉइंट सेथ रॉलिंस की तरफ, थोड़ा सा मिस टाइम यहाँ पे, फेमाउजर नंबर 2, डॉल्फ वांट्स हिज पॉइंट बैक, फटाफट पिन में डाला उसको, कम ऑन रेफरी, 1 2 3 एंड इसी के साथ 1-1 हो चुका है भाई, फिनिशिंग मूव हमारे पास रेडी है, क्या डॉल्फ एक के बाद एक पॉइंट निकाल सकता है, मिस्टर शो ऑफ ने मार दिया यहाँ पे zigzag आउट ऑफ नोवेयर, सेथ को समझ भी नहीं आया, एक पिन अभी खाया एंड दूसरा फिनिशिंग मूव उसी के बाद ही, 1 2 लेकिन इस बार किक आउट मारा डॉल्फ ज़िगलर ने, अब बिलीव नहीं हो रहा डॉल्फ को, कैसे 2 पॉइंट्स इतने जल्दी निकले इस मैच में, कहीं से पता ही नहीं चला लोगों को कैसे हुआ ये सब, फटाफट पटकते हुए सेथ को फुर्ती लाते हुए गेम में डॉल्फ ज़िगलर अपने, उसको पता है उसको लीड चाहिए अपना चैंपियनशिप बचाना है तो, एंड आयरिश लेग स्वीप के साथ सीधा टॉप रोप की तरफ, डॉल्फ ज़िगलर बड़ा रिस्क लेने वाला यहाँ पे, एंड क्या एल्बो ड्रॉप था, बिल्कुल छाती पे, इज दिस इट, 1 2 भाई सेथ हार मानने के लिए रेडी नहीं है, ऐसे ही उसको फाइटिंग चैंप नहीं कहा जाता था, बहुत सही डिफेंस ली है उसने, लेकिन आज मिस्टर शो ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे डैमेज डालता हुआ सेथ के ऊपर, बूम उठते ही ड्रॉप किक लेटा दिया वापस, एंड रिंग के बीचों बीच फाइट चालू अभी भी, सेथ फाइट्स बैक, उठा के स्कूप स्लैम बिल्कुल कोने के पास, फटाफट सेकंड रोप की तरफ, क्या करेगा वो, उसने टॉन्ट मार दिया है, डॉल्फ ज़िगलर बिल्कुल ग्रॉगी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से आया लेकिन पूरा अटैक मिस यहाँ पे, बूम 2 पंचेस एंड सेथ ने उल्टा दिया इसको, डॉल्फ के सीधा घूमते हुए एल्बो, एंड सेथ बिल्कुल फायर्ड अप, भाई साहब वो चैंपियनशिप के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन डॉल्फ के पास सिग्नेचर मूव है, वो क्या करेगा, रिंग के बाहर उसको पकड़ने की कोशिश, लेकिन सेथ ने वापस लात मार के उसको बाहर फेंका, दोनों के पास सिग्नेचर मूव्स है, डॉल्फ को वापस रिंग के बीचों बीच ले जाया गया, स्मार्ट स्ट्रैटेजी बाय सेथ रॉलिंस, उसको पता है पॉइंट सारे बीच में ही बनेंगे, आंखें नोच लिए यहाँ पे, बहुत ही डर्टी मूव, सेथ को नीचे गिराया, फिर दोबारा उसी कॉर्नर की तरफ, दी स्वीट चिन म्यूजिक, क्या इस बार पॉइंट दिला पाएगा, भागते हुए सीधा मुंह पे कनेक्ट हुआ सेथ रॉलिंस, ढेर 1 2 अबे तेरी, कैसे नहीं बन रहे यहाँ पे पॉइंट्स, डॉल्फ ने भाई इतने फिनिशिंग मूव मारे तब भी नहीं हुआ कुछ इफेक्ट, ऑन टुवर्ड्स द कॉर्नर, भागते हुए एक और छाती टू छाती अटैक पे अटैक, उठाने की कोशिश, लेकिन सेथ विद अ ह्यूज रिवर्सल, ये मारा उसने जंप करते हुए नी टू द फेस, एंड अब दबाव डाल रहा है वो लगातार, मुंह पे नी पड़ा,
सर उखाड़ देगा वो डॉल्फ जिगलर का चाहे तो। बहुत ही ब्रूटल अटैक्स आ रहे हैं, दोनों ने अपना बेस्ट दिया, दोनों थक चुके हैं, खून पसीना एक हो गया है। सेट के पास सिग्नेचर मूव, बिल्कुल कॉर्नर की तरफ ले जा रहा है वो प्लेयर को। दिस इज बैड, ही हैज समथिंग इन हिज माइंड एंड लगा दिया उसने अपना सिग्नेचर मूव। लुक एट दैट पावर बॉम्ब पोजिशन में टूवर्ड्स द बकल बॉम्ब। सर फटा यहाँ पे डॉल्फ का एंड सीधा इनटू द पिन। 1-2 बच गया भाई लास्ट सेकेंड में। सेथ कांट बिलीव दैट नाउ। दोनों गिव अप करने के लिए रेडी नहीं, दोनों अपना बेस्ट देते हुए। इज ही लुकिंग फॉर इट, लेकिन फिनिशिंग मूव पे रिवर्सल यहाँ पे। ये मारा ड्रॉप किक, बहुत ही खतरनाक ड्रॉप किक। डॉल्फ ने उसको बीचों बीच खींच लिया रिंग के टॉन्ट करते हुए, टॉन्ट करते हुए कि रोप ब्रेक ना हो, रिंग के बीच में लाया एंड जिगजैग नंबर 2। जिगजैग के साथ तो खत्म हो जानी चाहिए यहाँ पे बात। आर्किटेक्ट को फिनिश करना बहुत मुश्किल हो रहा है डॉल्फ के लिए। गोस फॉर अ पिन, कम ऑन रेफरी, सोच क्या रहा है। 1-2-3 आखिरकार लीड मिली डॉल्फ को। 2-1 हो चुका है स्कोर। डॉल्फ फटाफट टॉप रोप की तरफ जाने की कोशिश में, सेथ को ड्रॉप किक मारा लेकिन मिस। ये कहां से निकला, सेथ ने उठा लिया उसको बड़े प्यार से, उठाते हुए रोप्स की तरफ ले जा रहा है। थोड़ा सा स्ट्रगल चालू लेकिन स्टन गन लग चुका है, गर्दन पड़ी रोप्स पे। 1-2 आराम से किक आउट। भाई दोनों ने कौन कौन से मूव्स नहीं दिए अभी तक, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं टू डिफीट देयर अपोनेंट्स। रिवर्सल्स पर रिवर्सल्स कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे की गेम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बैकड्रॉप बहुत ही करारा था, फिर दोबारा उठाया उसको, छोड़ना नहीं चाहता वो, एक के बाद एक कंटिन्यूसली मूव पे मूव। व्हाट अ फेस बस्टर डॉल्फ। अब बेटा फॉर्म में आ गया, एक के बाद एक खतरनाक मूव दे रहा है। एक और बड़ा सा बैकड्रॉप एंड उठा वो फटाफट, ये मारा एल्बो ड्रॉप कूदते हुए। डॉल्फ के पास मोमेंटम है, बहुत ही बढ़िया भागते हुए ड्रॉप किक सीधा उसकी छाती पे। सिग्नेचर मूव हमारे पास है, रिंग के बीच में घसीट लिया, रिंग के बीच में घसीट लिया उसको एंड सिग्नेचर मूव लगा दिया उसने दी हार्ट स्टॉप पर। दे धनादन, लगातार एल्बो ड्रॉप्स की बरसात ऑन सेथ रॉलिंस। भाई किसी का भी दिल रोक दे, इतने कातिलाना ये एल्बो ड्रॉप्स है, रुकने का नाम नहीं लेता डॉल्फ। शो ऑफ कर रहा है वो, शो ऑफ अपना स्टैमिना दिखाते हुए 10 मिनट के बाद भी। बूम, आखिरी एल्बो ड्रॉप, सेथ रॉलिंस बिल्कुल चित, किसी तरह पिन में गया वो। 1-2-3 एंड इसी के साथ 3-1 हो चुका है स्कोर। बड़ी लीड यहां पे डॉल्फ के पास, लात मारने की कोशिश। सेथ ने अब फुर्ती दिखाई है, उसके पास सिग्नेचर मूव आ चुका है विच इज़ वेरी बैड। उसने उठाया एंड फिर दोबारा कोने की तरफ, एक और सिग्नेचर है उसके पास, दे दिया उसने बकल बॉम्ब नंबर 2। सेथ की पावर अभी भी बहुत ही इंटैक्ट एंड सर पड़ा बकल पे। ये उसने हाथ पांव तोड़ना चालू कर दिया उसकी। सेथ थोड़ा सा डेस्परेट है एक और पॉइंट के लिए, उसके पास फिनिशिंग मूव था, क्या रिवर्सल मारा यहाँ पे। बूम, स्टैमिना दोनों का खत्म है। डॉल्फ ने उसको बाहर की तरफ फेंका, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, अगर बाहर रहेंगे तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता बाहर, क्योंकि वहाँ पे काउंट होगा नहीं कुछ भी पिन विन। उसको वहीं पे फेंक डाला है, एप्रन पे गया डॉल्फ ज़िगलर, गोइंग फॉर अ हाई फ्लाइंग मूव, कूद गया, उठने का मौका नहीं दिया सेथ को। अब थोड़ा सा एडवांटेज उठा सकता है डॉल्फ ज़िगलर, क्योंकि इसके पास 2 पॉइंट का एडवांटेज है, 3-1 स्कोर हो रखा है। रेफरी काउंट पे काउंट करने पे चालू, फेंक दिया गया उसको इनटू द बैरिकेड। ले भाई दूसरी तरफ गए दोनों के दोनों। डॉल्फ उसको फॉलो करते हुए पंच पे पंच, दोनों क्राउड में लड़ पड़े, 6 काउंट आउट तक चला गया वहां पे। सेथ ने एक और पंच मारा, डॉल्फ को घुमा दिया क्राउड से, दोनों इधर उधर फाइट करते हुए जा रहे हैं। सेथ फंस चुका है वहां पे, 9 काउंट बच गए भाई बच। अबे सेथ को पॉइंट मिल गया किसी तरह, सीधा पिन में भी चला गया वो। सेथ को काउंट आउट का पॉइंट मिल गया बहुत ही चालाकी से वहां पे। 3-2 स्कोर हो चुका है अचानक से।
डॉस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है, क्या पता एक एपिक कमबैक बन जाए यहाँ पे। 3 मिनट बचे सिर्फ मैच में एंड उसने फिनिशिंग मूव लगा दिया, दी कर्व स्टॉम्प, अरे तेरी, एनजेग्यूरी मारा उसने, आई थॉट कर्व स्टॉम्प के ले जा रहा है वो। एक और बार कोने की तरफ, एक और बकल बॉम्ब देखने को मिलेगा, नहीं इस बार नहीं, कूदते हुए मारा इस बार, कॉर्नर फिनिशर रेडी डॉल्फ की तरफ से, एक और स्वीट चेन म्यूजिक टू फिनिश ऑल ऑफ दिस एंड बूम, सुपर्ब कनेक्शन, 2 पॉइंट का लीड वापस, 1, 2, 3, 4, 2 स्कोर हो चुका है, 4-2 पे वापस से संतुष्टि लेने की कोशिश। डॉल्फ बाहर चला गया रिंग से, बहुत ही स्मार्ट कि वो पॉइंट्स ही ना निकाल पाए। आओ भाई आओ, सेथ का ही वेट हो रहा था लेकिन सेथ अचानक से भागते हुए आया विद अ स्विंग ब्लेड, सेथ ऑन द एप्रन, गोस टुवर्ड्स द टॉप रोप, वो भी बड़ा रिस्क उठाने वाला है एंड 5-star फ्रॉग स्प्लैश, क्या बात, सेथ ने कैपिटलाइज किया वहां पे, रिवर्सल नहीं कर पाया ये बंदा एंड डॉल्फ को अंदर घसीट लिया वापस, 4-2 स्कोर है यहाँ पे, सिग्नेचर मूव उसके हाथ में, फिर दोबारा उसी कोने की तरफ ले जा रहा है, एक और खतरनाक बकल बॉम्ब, यस इट इज, सेथ चाहता है वो पॉइंट वापस, ही डजंट वांट टू लूज दिस एनीवे एंड डॉल्फ को सीधा अंदर की तरफ पटका, बेहोश हो चुका है, बेहोश, अब चांस कम लग रहा है, डॉल्फ उठ भी पाएगा इससे एंड मुंह पे मारा है, खून निकाल दिया डॉल्फ के सर से, 1, 2, 3 बच गया किसी तरह लड़का, अभी भी 1 मिनट बाकी, कमबैक पॉसिबल तो है लेकिन क्या डॉल्फ होने देगा ऐसा कुछ, फिनिशिंग मूव आ रहा है सेथ की तरफ से, पीछे से पकड़ लेगा भाई वो, रिवर्स फॉर रिप कॉर्ड नी अगेन, रिप कॉर्ड नी इनटू द पिन, रोप ब्रेक, कम ऑन, 1, हाउ इज दैट नॉट अ रोप ब्रेक, उसका सर रोप पे था, 4-3 स्कोर हो चुका है, रेफरी को रोप ब्रेक नहीं दिखा, बूम, भाई साहब ये तो बड़ा स्ट्रेंज हो गया सब कुछ, आखिरकार रिवर्सल आया डॉल्फ की तरफ से, सिग्नेचर मूव मारा उसने एंड चार्ज फिनिशर रेडी, एक के बाद एक खतरनाक मूव आ रहे डॉल्फ की तरफ एंड ज़िगज़ैग आउट ऑफ नोवेयर, ये हुई ना बात, एक्सट्रीम ज़िगज़ैग इनटू द पिन क्विकली, 1, 2, अबे तेरी, सेथ चाहता क्या है भाई, सेथ तू चाहता क्या है, खुद तो पॉइंट निकाल लिया, हमें पॉइंट देगा नहीं, 4-3 स्कोर है, इतने पिन्स, इतने सबमिशंस कभी देखने को मिला है किसी को, 15 मिनट के अंदर बहुत कुछ हो चुका है, 7 बारी किसी को डिफीट कर दिया गया है, किसी ना किसी को, फिर भागते हुए आया भाई, ओ TDT ऑन द आउटसाइड, सर के चकनाचूर कर दिया इसने, अबे अनाउंस टेबल पे सर पड़ गया उल्टा डॉल्फ का, जो हम करना चाहते हैं वो उधर से हो रहा है, 3 सेकंड बचे इस मैच में एंड सेथ कुछ नहीं कर सकता, दोनों रेसलर्स ने इस 15 मिनट में अपना खून पसीना एक कर दिया, आयरन मैन मैच खत्म, अभी भी चैंपियन डॉल्फ ज़िगलर 4-3 से आगे था वो इस मैच में, एपिक मैच, बहुत ही क्लोज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ये था आज का एपिसोड, आई होप आप लोगों को मजा आया, फटाफट लाइक ठोकना ना भूलिए, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, सेथ रॉलिंस या फिर डॉल्फ ज़िगलर, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या तो आई बटन पे क्लिक करिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर, तब तक के लिए बाय बाय।